गुड मॉर्निंग, मेरा नाम रविंद्र रामसे है। आज हम कक्षा 7 के अंतर्गत हिंदी विषय की एक कविता पढ़ेंगे। उसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इस कविता के कवि है शिवमंगल सिंह सुमन। देखिए, यहाँ पर मैंने एक चित्र निकाला है। एक पंछी पिंजरे में बंद है और एक पंछी पिंजरे के बाहर है। अब जो पंछी पिंजरे में बंद है, अगर वो उससे पिंजरे के बाहर जो पंछी उसे देख रहा है, ये पिंजरे में बंद है और ये पिंजरे के बाहर है, यानी वो स्वतंत्रता से घूम सकता है, लेकिन ये पंछी पिंजरे में बंद है। तो कविता का भावार्थ यही है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के। जो पंछी पिंजरे में बंद होता है, जब वो बाहर के पंछी को देखता है, तो उसे लगता है कि मैं भी बाहर घूम सकता हूँ, आप लोगों ने मुझे क्यों कैद करके रखा है। तो शिवमंगल सिंह सुमन जी ने हमें बहुत ही सुंदर तरीके से इस कविता को प्रस्तुत किया है। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो उसका पंक्तियां है वो ऐसी है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद्ध न गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कवि पंछी के माध्यम से उसके भाव प्रकट कर रहा है कि हम पंछी लोग हैं, हमें तो उन्मुक्त घूमने की आजादी। उन्मुक्त का अर्थ है आजादी, खुले में घूमना। हम तो आकाश में उन्मुक्त गगन में घूमने वाले पंछी हैं, आप लोगों ने हमें पिंजरे में क्यों बंद करके रखा है। पिंजरबद्ध न गा पाएंगे का अर्थ है कि हम पिंजरे में बैठकर अपना गीत नहीं गा पाएंगे। कनक तिलियों से टकरा कर, कनक का अर्थ होता है सोना। आपने अगर सोने का भी पिंजरा रखा हो, अगर सोने की भी सलाखें हो, तो इस सलाखों के भीतर हम हमारे पंखों को टकरा कर हमारे पंख टूट जाएंगे, इसीलिए हमें इस पिंजरे से हमें आजाद करा दो, ऐसे बड़ी पंक्ति का अर्थ होता है। दूसरी पंक्ति ऐसी है, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कही भली है कटुक निगोरी कनक कटोरी की मैदा से। पंछी कहता है कि हम तो ऐसे पंछी हैं कि हम उड़ते उड़ते कहीं का भी पानी पी लेते हैं, झरने का, नदी का, कुएं का। अगर आप लोगों ने हमें पिंजरे के अंदर पानी पीने को दिया तो हम पानी नहीं पिएंगे, क्योंकि हम बाहर घूमने वाले पंछी हैं। हम पिंजरे के अंदर मर जाएंगे लेकिन पानी नहीं पिएंगे। उससे बेहतर तो वो ऐसा कहते हैं कि कहीं भली है कटुक निगोरी कनक कटोरी की मैदा से। अगर आप लोगों ने हमें सोने की कटोरी में, कनक यानी सोना, सोने की कटोरी में अगर आप लोगों ने हमें खाना लाकर दिया, मैदा का अर्थ होता है आटा या फिर कोई खाना, अगर आपने हमें सोने की कटोरी में भी खाना लाकर दिया तो हम खाना नहीं खाएंगे। उससे बेहतर तो हम उन्मुक्त गगन में जो कड़वा नीम का पेड़ होता है, उसकी जो निमोरी होती है, वो कड़वी निमोरी खाकर भी हम खुशी से रह सकते हैं, हमें सोने के कटोरी में खाना खाने की जरूरत नहीं है। पंछी यही कहना चाहते हैं कि हमें उड़ने दो, हमें पिंजरे के अंदर बंद मत करो। अगली पंक्ति ऐसी है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर झूले। पंछी कहता है कि हमें सोने की श्रृंखला में, यानी सोने की जो जंजीरें है हमारे गले में, अगर आपने सोने की जंजीरें बांध रखी हो, तो हमारी जो गति, हम जो उड़ सकते हैं, हमारे पंखों में जो गति है, वो गति हम भूल जाएंगे। अगर आप लोगों ने हमें सोने की जंजीरों में कैद करके रख दिया, तो हमारी जो उड़ने की क्षमता है, हमारी जो गति है, हमारी जो उड़ान है, वो हम सब भूल जाएंगे। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। हम तो केवल सपना ही देख रहे हैं कि कब हम इस पिंजरे के बाहर निकलेंगे और कब हम किसी तरु का अर्थ होता है वृक्ष, किसी वृक्ष की ऊंची डाली पर बैठकर झूला झूलेंगे। ये केवल हम सपना ही देख रहे हैं। सपना क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आप लोगों ने हमें पिंजरे बंद करके रखा है। अगली पंक्ति ऐसी है, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण की चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। यहाँ पर पंछी अपने अरमान, अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा है कि हमें तो हमेशा खुले आकाश में उड़ना है और नीले नभ की सीमा को हमें छूना है, लाल किरण की चोंच को, हमारी जो चोंच है वो सूर्य की जो लाल किरण है, उस लाल किरणों की चोंच के समान हमें उड़ते उड़ते तारों के समान दिखने वाले जो अनार है, उस अनार के दानों को हमें खाना है, हमें उसे चुगना है, हमें पिंजरे के अंदर खाना नहीं खाना है। आगे की पंक्ति ऐसी है, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। पंछी ऐसा कहता है कि हमें इस आसमान से बहुत दूर क्षितिज यानी ऐसा ठिकान, ऐसा स्थान जहां धरती और आकाश का मिलन होता है, उसे क्षितिज कहते हैं, हमें उससे भी बहुत आगे जाना है। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी, हम बहुत दूर जाएंगे जहां कोई नहीं पहुंच सकता,
उस युधिष्ठिर तक पहुंचते पहुंचते अगर हम मर भी जाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन हमें आकाश में उड़ने दो। अगली पंक्ति में एक पंच कहता है कि नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए है तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। पंछी कहता है कि हमें हे मनुष्य, अगर आपने टहनी पर हमारा घोंसला अगर बना हुआ हो, नीड का अर्थ होता है घोंसला, अगर आपने घोंसला बनाया है, अगर आप वो घोंसला तोड़ना चाहे तो तोड़ सकते हो। हमारा जो आश्रय, हम जहाँ रहते हैं, वो आश्रय आप छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन हमें भगवान ने पंख दिए है, इन पंखों को मत तोड़ो। हमारे जो उड़ान है, हम व्याकुल उड़ने के लिए, हमारे उड़ान में विघ्न मत डालो, हमें मुक्त तरीके से उड़ने दो। ये पंछी अपने भाव यहाँ पर व्यक्त कर रहा है। तो शिवमंगल सिंह सुमन ने हमें ये बताया है कि पंछी को कभी भी पिंजरे में कैद नहीं करना चाहिए, उन्हें भगवान ने उड़ने के लिए बनाया है, उन्हें मुक्त आकाश में उड़ने के लिए देना चाहिए। चलिए अभी इस कविता के कुछ शब्दार्थ देखेंगे, शब्दार्थ आपको याद करना है। जो शब्दार्थ पहला है उसका वो है उन्मुक्त। अब उन्मुक्त का अर्थ क्या होता है? उन्मुक्त का अर्थ होता है खुला, स्वतंत्र, ये अर्थ होता है उन्मुक्त का, खुला या फिर बंधन रहित उसका अर्थ होता है। फिर है पुलकित, पुलकित का अर्थ होता है प्रसन्नता, खुशी, प्रसन्न या फिर खुशी, इसका अर्थ होता है पुलकित का। उसके बाद में कटु का अर्थ होता है कड़वी, कटु का अर्थ होता है कड़वी, कड़वी निबोड़ी यानी कड़क, कड़वी नीम के फल का निबोड़ी। श्रृंखला, श्रृंखला का अर्थ होता है जंजीर, फिर है तरु, तरु का अर्थ होता है वृक्ष या फिर पेड़, फिर है नीड, नीड यानी घोंसला, उसके बाद में आकुल, आकुल का अर्थ होता है उत्सुक, इच्छा। तो ये सभी शब्दार्थ आपको घर पर पढ़ने हैं, और जो कविता हमने आज पढ़ी उस कविता को अच्छी तरह से घर पर पढ़ना है, ठीक है। बाकी के स्वाध्याय के प्रश्न हम अगले लेसन में देखेंगे।